नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी सकुशल होंगे और आज पूरी एनर्जी के साथ, चाहे जो विद्यार्थी YouTube पर हमसे जुड़े हुए हैं या जो विद्यार्थी एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी उत्साह के साथ, एकदम कह सकते हैं पूरी एनर्जी के साथ, एनर्जी से लवरेज होकर के पढ़ाई का आनंद लेने के लिए इंतजार में होंगे। और आपकी इंतजार जो है खत्म हो चुकी है और आज से हम रेलवे एक्सप्रेस 2020 टारगेट मैथ का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं भाई, ये जो क्लासेज आपका होंगी वो 90 दिन लगातार आपके साथ में रहूंगा और 15 दिसंबर से हम 2-4-5 दिन पहले ही आपके पूरे सिलेबस को मैं बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। जिसके अंतर्गत मैं आपको नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस, स्टैटिक्स और डीआई, ये 5 सेक्शन से रेलवे में प्रश्न पूछेगा। और हमारा टारगेट जो रहेगा आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को मुख्य रूप से फतह करना। तो जो विद्यार्थी हमसे जुड़ चुके हैं एप्लीकेशन पर, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करिए। अब आज मैंने कुछ, आज के क्लासेस को मैंने यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर रखा है। तो यूट्यूब वाले विद्यार्थी एक बार अपने पूरे फ्रेंड में, अपने पूरे सर्कल में आप शेयर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और आज मैं नंबर सिस्टम पहले स्टार्ट करने वाला हूं और आज ही के क्लास में आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। और ऐसे एडमिशन जो है इस बैच में चल रहा है, कितना में, तो ओनली आपका 500 में, आपका 500 रुपए में इस बैच में नामांकन भी आपका चल रहा है। जो विद्यार्थी एडमिशन लिए है वो आपका एप्लीकेशन पर लाइव है और बाकी विद्यार्थी डेमो के तौर पर या फिर जो सीखने का चाह रख रहे हैं वो आपका YouTube पर लाइव है। तो सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है, चाहे YouTube पर हो या एप्लीकेशन पर हो। चलिए YouTube वाले सारे विद्यार्थी एक बार जल्दी से आप शेयर कर दिए। चलिए सुजीत शर्मा जी बोल रहे हैं, अंकुश भाई बाद में देख लेंगे, ड्यूटी जा रहे हैं अभी आसाम राइफल में। चलो भाई ठीक है, बाद में ही देख लेना आप, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को हम क्या करते हैं, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। बिना देर की हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सारे विद्यार्थी यहां पर चीज को सीखिएगा, ठीक है। चलो भाई, चलिए पेज थोड़ा मैं रंगीन ले रहा हूं ताकि आप सारे विद्यार्थी को पढ़ने में मजा भी आएगा। एक बार यार YouTube वाले सारे विद्यार्थी शेयर कर देंगे, ठीक है। देखिए पहले आपको बता दें कि ये जो आपका क्लासेज है वो आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, के लिए स्पेशल ये टारगेट बैच होंगी। अब देखिए इस लेवल का प्रश्न जिस एग्जाम में आता है, जैसे अगर कोई विद्यार्थी को बिहार एसएससी का अगर एग्जाम होगा तो उसके लिए भी ये रामबाण आपका होगा। किसी का कह सकते हैं दरोगा आपका मेंस और पीटी का एग्जाम होगा, उनके लिए भी ये बैचेज आपका रामबाण साबित आपका होगा, ठीक है। क्योंकि देखो भाई मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा कह सकते हैं डिफर नहीं करता है। मैथमेटिक्स जैसे एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, प्री मेंस के लिए लगभग ऑलमोस्ट आपका सेम ही होता है ना। और आपको एकदम हम पीक लेवल तक पढ़ाएंगे जहां तक क्वेश्चन ये चारों चीजों में आपका पूछ सकता है, ठीक है, या इससे इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम होगा सब में आपको काम करेगा, ठीक है। तो आपको मैं और ये चीजें बता दूं, जैसे पहले यहां पर हम चाह रहे हैं कि आपको नंबर सिस्टम से हम बैच की शुरुआत करें। नंबर सिस्टम से यह भी कह सकते हैं कि मेजर पोर्शन है, यहां से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके बाद जो है आपका हम एडवांस मैथ स्टार्ट करें, ठीक है। यह भी आपका मेजर सेक्शन है, आजकल यहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। हमें लगता है लगभग 40-50% जो है आजकल क्वेश्चन आपका एडवांस मैथ से देने वाला है या दे रहा है। इसके बाद हम स्टैटिक्स का क्लासेज लेंगे, इसके बाद हम अर्थमेटिक का क्लास लेंगे, ठीक है।
और लास्ट क्लास से जो आपका होंगी वो डीआई का आपका होंगी, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि इतनी चीज जब आप पढ़ लेंगे तो डीआई आपका रेलवे में एकदम बहुआ जैसा पूछता है, एकदम देख देख कर आंसर कर देंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। तो चलिए बिना देर की हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग क्लास का एकदम इंतजार कर रहे हैं कि सर आज क्या पढ़ाएंगे, ठीक ना। चलिए आज के सेशन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। देखो भाई यहां पर नंबर सिस्टम, सारे लोग एकदम हेडिंग बना लेंगे नंबर सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम को कह सकते हैं जनरली जो है वो आपका दो पार्ट में बांटा गया है। एक आपका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। ऐसे देखिए इसका और पार्ट पुर्जा होता है, जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल आपका होता है। तो कहने का मतलब जो रेलवे के परीक्षा में या फिर इन सारे चीजों जो मैंने अभी आपको बताया, इस परीक्षा में सिर्फ आपका डेसिमल नंबर से क्वेश्चन आएगा और आपका आएगा बाइनरी नंबर से, ठीक है। तो हम सिर्फ ये दोनों पर ही बात करेंगे। देखो भाई अभी जो है आपके पास बहुत कम समय है और काफी चीज को सीखना है, और ये टारगेट बैच है तो इस बैच में एकदम हम टू द पॉइंट रहेंगे। मतलब जो रेलवे पूछेगा सिर्फ हम उतना पे काम करेंगे। आदमी को पता होनी चाहिए कि पढ़ना क्या है। अगर आप सही रास्ते पे रहेंगे तभी इतना कम समय में आपकी रिजल्ट हो सकता है। अभी आपके पास उतना पर्याप्त समय नहीं है कि चीजों को बहुत डिटेल से आप पढ़े, इसलिए ये बैच में हम सिर्फ और सिर्फ रेलवे की बात करेंगे, जो चीज एग्जाम में पूछेगा। क्लियर है बात। चलिए भाई तो डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चन आएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो है कुल मिलाकर के आपका 10 डिजिट का प्रयोग होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल मिलाकर के आपका ये 10 डिजिट का प्रयोग होता है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत। आप काउंट कर लीजिए टोटल 9 वो होगा। लेकिन अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंतर्गत 0 और 1 सिर्फ 2 डिजिट का प्रयोग होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, द्विआधारी। क्या बोलते हैं भाई, द्विआधारी संख्या पत्ति। इसका आधार कितना होता है, 2 होता है, कौन कौन, 0 और 1 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दशमिक। क्या बोलते हैं, दशमिक संख्या पत्ति। इसका आधार कितना होता है, 10। कौन कौन, तो 0 से लेकर 9 तक, काउंट कर लीजिए 9 आपका है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है वो आपका जो है वो मेजर पोर्शन है, ठीक है, मेजर पोर्शन है, इसका बहुत विस्तार है। और द्विआधारी नंबर सिस्टम है वो आपका क्या है, माइनर पोर्शन है। ये छोटी सी चीजें हैं, और यहां से आप प्रीवियस ईयर का बुक उठा के देख लीजिए, जम के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बाबू वो माइनर चीजें हैं, ये मेजर चीजें हैं। इसको तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को आगे की काफी क्लासेस तक पढ़ेंगे, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम माइनर चीजें हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आज के क्लास में आपको हम बाइनरी नंबर सिस्टम का पूरा कंसेप्ट आपको हम दे दें। आज की क्लास में 1.5 घंटे का डेली क्लासेज होंगी, ये बात आप नोट कर लीजिए एप्लीकेशन वाले विद्यार्थी। और आज के क्लास में हम बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पूरा पढ़ा देंगे डेमो के तौर पर। तो उन सारे विद्यार्थी जो यूट्यूब पर हैं एकदम कर सकते हैं, टीके रहिए, अपना नजर को एकदम टिकाए रहिए, और आज के बाद आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम बिना देर किए बाइनरी नंबर सिस्टम द्विआधारी पत्ती को हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई चलिए एक बार YouTube वाले सारे विद्यार्थी शेयर करेंगे, और लोग को जोड़िए, बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोग लाइव है, और लोगों को आप जोड़िए। और बाइनरी नंबर सिस्टम आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें होगी। तो टॉपिक बना लीजिए सारे विद्यार्थी, बाइनरी नंबर सिस्टम। एप्लीकेशन वाले सारे विद्यार्थी एक फ्रेश कॉपी ले लेंगे, ठीक है, एक फ्रेश कॉपी ले लेंगे। और जहां तक मैं बता दूं तो ये जो वीडियो है
आप अभी भी देख सकते हैं, लाइव पढ़ने का मजे कुछ और है, इसलिए लाइव रख के पढ़ाई करिए। अदरवाइज किसी दिन कोई विशेष काम पड़ गया तो आप अगले दिन काफी दिनों तक, आप 6 महीने तक आपको जितना बार मन करे उतना बार आप क्लासेज को देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ मैंने अभी एप्लीकेशन पर नहीं डलवाया है, कल परसों में पीडीएफ आपको डलवा दूंगा एक दो दिन में, अभी पीडीएफ का कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए तो बाइनरी नंबर सिस्टम हेडिंग बना लेंगे। अब देखो भाई, यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ये आपका है कुछ नंबर लिख रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, और इधर हम लिख रहे हैं यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे यहां पर ध्यान दीजिए कि डेसिमल नंबर अगर जीरो है, डेसिमल नंबर के अंतर्गत जीरो भी आता है, तो बाइनरी में भी इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो ही आपका होगा, ठीक है। अगर यहां पर डेसिमल नंबर हम 1 लेते हैं तो बाइनरी में वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हम डेसिमल नंबर 2 ले लेते हैं तो बाइनरी में इसका वैल्यू कितना, क्या 2 होगा, कभी नहीं होगा, 2 होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी के अंतर्गत सिर्फ 2 ही डिजिट आता है, कौन कौन, 0 और 1, तो आप 2 नहीं लिख सकते हैं। कहिएगा 2 को क्या लिखेंगे, ओहो देखो भाई 2 को हम क्या लिखेंगे, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, 2 को हम क्या लिखेंगे, तो देखिए आप बताइए, 0 को 0 लिख दिए, 1 को 1 लिख दिए, अब हमको 2 को लिखना है, और बाइनरी का मतलब वैसी संख्या जो सिर्फ 0 और 1 से बना हो। तो आप सारे विद्यार्थी से हम पूछ रहे हैं कि 2 का बाइनरी में मान क्या होगा, तो आप हमको बताइएगा 0 1, और आपसे पूछ रहे 1 के बाद कौन ऐसी संख्या है, बताना भाई 1 के बाद ऐसी कौन संख्या है जिसमें 0 और 1 का टर्म रहता है, आप बताइए 1 के बाद, तो 2 में नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 में क्या होता है, 1 और 0 होता है। तो याद रखना है 2 का कह सकते हैं बाइनरी में वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। कोई पूछेगा सर डेसिमल नंबर 3 है, इसका बाइनरी में वैल्यू कितना है, तो आप सारे विद्यार्थी से हम पूछ रहे हैं कि 10 के बाद वह संख्या बताओ जो 0 से बना हो, 1 से बना हो, या 0 1 दोनों से बना हो। तो आप कहेंगे सर 11, 10 के बाद में लगले 11, देखिए 1 1 से बना हुआ है, तो 3 की वैल्यू बाइनरी में कितना हो जाएगा, 11। कोई पूछेगा कि 4 की वैल्यू आप बताइए बाइनरी में कितना होगा, कोई पूछेगा 4 की वैल्यू आप बाइनरी में बताइए कितना होगा, तो देखो भाई आप सोचिए, बाइनरी में लिखना है तो 4 को आप 4 नहीं लिख सकते हैं, बाइनरी का मतलब होता है जो 0 1 से बनी हुई संख्या। तो आप सोचिए कि 11 के बाद, 11 के बाद वैसी कौन संख्या है जो 0 और 1 से बना हुआ है, तो 12 में देखिए 1 पर 2 आ जा रहा है, 13 में 1 पर 3 आ जा रहा है, 14 में 1 पर 4 आ जा रहा है, लेकिन संख्या तो वो लिखना है जो 0 और 1 से बना हुआ हो। तो आपको जानते हैं 11 के बाद सीधे संख्या 0 1 से बना हुआ कौन मिलेगा, 100 मिलेगा आपका, देखिए 100 से बना हुआ है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू याद रखना आपका 100 होता है। कोई पूछेगा 5 की वैल्यू कितना होगा, तो 100 के बाद वह कौन सी ऐसी संख्या है, देखना भाई 100 के बाद वह कौन सी ऐसी संख्या है, ठीक ना, जो आपका 1 और 0 से बना हुआ है, कितना होगा, 101 आपका होगा, ठीक है 101 होगा। थोड़ा एप्लीकेशन खोलिए, एप्लीकेशन ये देखिए, 5 के बाद वह कौन सी ऐसी संख्या है जो 0 1 से बना हुआ है, तो 100 के बाद देखिए 101 जो 101 से बना हुआ है, तो 5 की वैल्यू याद रखना बाइनरी में कितना होता है आपका, 101 होता है। कोई पूछ देगा 6 की वैल्यू बताओ, कोई पूछेगा 6 की वैल्यू बताओ, है ना, तब क्या कहेंगे, तो 101 के बाद वह संख्या बताइए जो 1 और 0 से बना हुआ है, तो कहिएगा सर 110, अरे 102 में 2 आ गया, 103 में 3 आ गया, 104 में 4 आ गया, लेकिन बाइनरी का मतलब क्या होता है, जो 0 1 से बना हुआ है, तो 6 के बाद कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कोई पूछेगा 7 का कितना होगा, तो 101 के बाद कितना होगा, 111 होगा। 8 के बाद कितना हो जाएगा, 8 का मान, तो 1000 हो जाएगा आपका। 111 के बाद वह संख्या बताइए जो 0 1 से बना हुआ है, बात समझ में आ रहा है, तो आपका 101000 आपका हो जाएगा, सीधे 1000। बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है 111 के बाद जो 0 1 से बना हुआ है। कोई पूछेगा 9 का मान बताइए, तो 1001 हो जाएगा। कोई बोलेगा 10 का मान बताइए, तो 1010 हो जाएगा। कोई बोलेगा 11 का मान बताइए, तो 1011 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। कोई बोलेगा 12 का, तो और आगे बढ़ जाएंगे। तो देखो भाई, इतना चीजें जो है वो आपको क्या करना है, याद रखना है, रट लेना है इसके बाद, ठीक ना। कम से कम 6 तक तो जरूर याद रखिए, इसको नहीं याद रखिए कोई बात नहीं है, लेकिन 6 तक कम से कम जुबान पर आपका होना चाहिए, ठीक है भाई मेरे, 6 तक आप सारे विद्यार्थी को जुबान पर होना चाहिए।
तो हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ चुके हैं प्रभात जी, राजीव राज जी, अलोक जी, मिथिलेश कुमार जी, नीरज जी, प्रिंस जी, ये सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। देखो भाई आज YouTube पर भी क्लासेज चल रही है। चलिए भाई हिंदी भी साथ में लिखिए, सर मिथिलेश जी बोल रहे हैं। तो हिंदी यार इसमें क्या लिखे, डेसिमल का मतलब अभी तो बताए हम ऊपर में कि दशमिक होता है, दशमिक होता है, और बाइनरी का मतलब अभी हम बताए हैं कि द्विआधारी होता है, द्विआधारी होता है। क्लियर है बात? चलिए तो ये चीजें सबको क्लियर है, ये आप याद रखना है। अब हम चीज को आगे बढ़ाते हैं, सुनिए। अब जैसे देखिए यहां पर तो मैंने समझा समझा करके लिख दिया, कहां तक लिखा मैंने, 9, 10, 11, 11 तक लिख दिया। लेकिन अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा ना, पूछ देगा कि 225 दे देगा डेसिमल नंबर, बोलेगा बाइनरी में उसकी वैल्यू बताओ, तो क्या ऐसे लिखिएगा? बहुत टाइम लग जाएगा। बोल देगा 27 है डेसिमल नंबर, उसको बाइनरी में वैल्यू बताओ। कभी क्या कर देगा ना कि ऐसा 01 देकर के एक बड़ी सी संख्या दे देगा और बोलेगा उसका मान डेसिमल में बताओ। मतलब बाइनरी दे के पूछेगा डेसिमल में बताओ, डेसिमल दे के पूछेगा बाइनरी में बताओ। तो ये सारी चीजें मैं आज के क्लास में देखने वाला हूं, और बहुत कुछ आपको हम सिखाएंगे, बस आप देखते तो रहिए और मेहनत करिए। आप सुनो भाई, देखो भाई यहां पर सारे टॉपिक बना लेंगे, यहां पर डेसिमल एकदम खूबसूरत अक्षरों में, अक्षर वैसे मेरा बनता नहीं है लेकिन जितना बन रहा है उतना मैं लिख रहा हूं, है ना, डेसिमल टू बाइनरी। देखो भाई यहां से एक क्वेश्चन एकदम सुनिश्चित है, एक क्वेश्चन जो है यहां से एकदम सुनिश्चित है, मतलब आज के क्लास से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है, आज के क्लास से आपका एक क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। राजीव राज जी मुंगेर से हैं, एप्लीकेशन पे लाइव है, अच्छी बात है यार। चलो भाई रवि जी प्रणाम सर, प्रणाम भाई। डेसिमल टू बाइनरी मतलब अब हम सीखेंगे कि कोई डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं जब डाटा बड़ा दे देगा। जैसे देखिए यहां पर मैंने एक नंबर लिया 27, अब देखिए 27 को आप बेस में 10 लिखेंगे और ऐसे यहां पे लिख देंगे व्हाट और बेस में लिख देंगे 2। क्या लिखेंगे बेस में? 2। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, इसका मतलब समझ रहे हैं? देखिए बेस में 10 है इसका मतलब डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर तो बेस कितना 10, और यहां बेस 2 है और व्हाट है इसका मतलब बाइनरी नंबर में इसकी वैल्यू क्या होगा। बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है और डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अगर बेस में 2 लिखा हुआ है तो समझिए बाइनरी की बात कर रहा है, बेस में 10 लिखा हुआ है तो समझिए डेसिमल की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर के अंतर्गत कितने डिजिट होते हैं 10, और बाइनरी नंबर के अंतर्गत कितने डिजिट होते हैं 2। अब सीखिए कि डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो सारे विद्यार्थी ध्यान देना भाई मेरे, 27 जो है डेसिमल नंबर है और इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में, और बाइनरी में बदलने का मतलब क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में लिखना, 0 और 1 के फॉर्म में लिखना। तो याद रखिएगा कंसेप्ट क्या है, 2 से हम भाग देते हैं, यही इस प्रश्न का कंसेप्ट है, 2 से क्या करना है, भाग देना है, 2 से भाग देना है, और 2 से तब तक भाग देना है जब तक कि नीचे में 0 ना आ जाए, ठीक ना। चलो 2 से यहां पर भाग दीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा 13 बार में, और शेषफल कितना बचेगा 1। कुछ लोग के मन में चल रहा होगा कि सर 2 ही से भाग क्यों देते हैं, कुछ लोग के मन में चल रहा होगा कि सर 2 ही से क्यों भाग देते हैं, 3 से क्यों नहीं, 4 से क्यों नहीं, 1 से क्यों नहीं। तो सुनिए चला, आपको पता होगा कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं ना शेषफल हमेशा उससे कम बचता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं शेषफल उससे हमेशा कम बचता है। तो आप बताओ जब 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा और 0 बचेगा, क्योंकि 2 से कम क्या होता है, 1 और 0, और हमको बाइनरी में लिखने के लिए 1 और 0 ही तो बचाना है, हमको बाइनरी में लिखने के लिए 1 और 0 ही तो बचाना है, इसीलिए 2 से भाग देंगे। अगर 3 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 3 से कम बचने का चांस है, मतलब 2 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 0 भी बच सकता है, फिर अगर 2 शेषफल जहां बचेगा फिर वो बाइनरी नहीं बनेगा, बाइनरी के लिए 0 और 1 बचना चाहिए शेषफल, और 0 1 शेषफल तभी बचेगा जब 2 से भाग देंगे। तो ये 2 से भाग देने का रीजन है, आप सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। चलिए सारे विद्यार्थी चीज को समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मिथिलेश जी बोले सर मेरे अकाउंट से 17 रुपए 70 पैसा ज्यादा कट गया, क्यों कट गया यार, कॉल करके आप बात करो, ठीक है मिथिलेश जी। चलिए
तो हमारे साथ YouTube पर भी बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, दो से भाग दिया तो 13 बार में भाग लगा और शेषफल कितना बचा भाई मेरे, एक बच गया। फिर आप दो से भाग लगाइए 13 में तो 6 बार में भाग लगा, शेषफल कितना बचा, एक बच गया आपका। फिर देखो भाई दो से भाग लगाए तो भाग लगा 3 बार में, 2 3 6 शेषफल कितना बच गया, 0। पूरा पूरा भाग लगने का मतलब शेषफल 0। फिर देखो भाई दो से भाग लगाए 3 में तो भाग लगा 1 बार में, 2 एकम 2 लेकिन है कितना 3, तो शेषफल कितना बच गया, 1। क्लियर है? अब दो से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि दो से ये क्या आ गया, कम आ गया। अब दो से भाग नहीं लगेगा, तब हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर, देखिए एरो क्या बता रहा, नीचे से ऊपर इसको हम लिख देंगे। तो लिखिए यहां, लिखिए 1, फिर लिखिए देखिए 1, और फिर इसके बाद क्या है 0, और फिर इसके बाद क्या है 1, और फिर इसके बाद क्या है 1। तो यहां पर बेस ऐसा 2 लिख देंगे और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना हो तो 2 से आप भाग देते रहिए तब तक जब तक कि यहां पर 1 ना हो जाए। 1 जब आ जाएगा 2 से कम तो भाग लेना बंद हो जाएगा, फिर नीचे से ऊपर लिखना है। कहां लिखना है, नीचे से ऊपर, ये चीज आपको याद रखना है, नीचे से ऊपर आपको लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है। अब बताओ भाई मेरे, जब नीचे से ऊपर आप लिखिएगा, नीचे से जब ऊपर लिखिएगा तो क्या होगा, 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, ये हमेशा आपको याद रखना है। देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं सारे विद्यार्थी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन। जैसे यहां पर मैंने 31 ले लिया, एक और क्वेश्चन मैंने 31 ले लिया। अब 31 को क्या करना है, आपको बाइनरी में चेंज करना है, 31 को आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो भाग लगेगा 15 बार में, शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर देखो भाई 2 से भाग लेंगे, 2 7 14 शेषफल 1। फिर 2 से भाग लेंगे, 2 3 6 शेषफल 1। फिर 2 से भाग लेंगे, 2 एकम 2 शेषफल कितना, 1। अब बताओ लास्ट में 1 आ गया, भाग लगेगा नहीं, तो नीचे से ऊपर लिख देंगे, बोलिए 1 1 1 1 1 कह गो 1 2 3 4 5 को, तो 1 1 1 1 1 है ना, और बेस में लिख देंगे 2, आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई एक बार यूट्यूब वाले सारे विद्यार्थी शेयर कर देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन में यहां पे ले लिया, जैसे मान लेते हैं ले लिया आपका 44 ले लिए, और 44 को 44 का बेस लिख दिए 10, मतलब डेसिमल नंबर है, और इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, नियम याद है ना कि 44 में क्या करेंगे हम, डिवाइड करते रहेंगे 2 से, कब तक, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो चलो 2 से भाग दिए तो 22 बार में, पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 0। फिर 2 से भाग देंगे 22 में तो 11 बार में भाग लगेगा, फिर से शेषफल 0। 2 से भाग देंगे 11 में तो भाग लगेगा 5 बार में, शेषफल कितना, 1। अरे 2 5 10 और है 11, शेषफल 1। फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 बार में तो शेषफल कितना बचेगा, 1। और फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 बार में तो भाग तो लगेगा 1 बार में, लेकिन 2 एकम 2 पूरा पूरा ना भाग लगा तो शेषफल कितना, 0। अब देखो लास्ट में 1 आ गया तो नीचे से ऊपर हम लिख देंगे, नीचे से ऊपर बोलिए 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए भाई किसी को कोई डाउट है इसमें, शंभू जी बोल रहे सर एप्लीकेशन पर वीडियो कैसे चलेगा, आप फोन करके बात कर लीजिएगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, अब चलिए आपको हम सिखाते हैं बाइनरी टू डेसिमल। क्या सिखाते हैं भाई मेरे, बाइनरी टू डेसिमल, यहां पर हेडिंग बना लेंगे आप, यहां से प्रश्न आ सकता है, याद रखना है, डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए आ सकता है, नहीं तो बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। सीखिएगा, जैसे मान लेते हैं कभी अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा, जैसे अभी वाला देखिए क्या है, यहां पर कितना आया है 10 और 1100 का मान कितना था 44। देखते हैं 10 1100 को सोल्व करके, देखिएगा सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर 10 1100, ठीक है, ये आपका बाइनरी है और इसको बदलना है किसमें, डेसिमल में बदलना है। 10 1100 बेस 2 है और डेसिमल में इसको क्या करना है, बदलना है। कहिएगा सर कैसे बदलेंगे, तो आराम से मेरी बात को सुनिएगा, आराम से मेरी बात को सारे विद्यार्थी सुनेंगे यहां पर, और यूट्यूब वाले सारे विद्यार्थी यार शेयर कर दो, ठीक है। देखिए आप बताइए, यहां पर मान लेते हैं 2 5 7 6 एक संख्या लिखा हुआ, ऐसे ही बात कर रहे हैं अभी थोड़ा सा टॉपिक से हटके, 2 5 7 6 यहां पर एक संख्या लिखा हुआ है,
इसका मतलब जानते हैं कौन सी संख्या है? डेसिमल है, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्या है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 10^1 होता है, सॉरी 10^0। ये आपका जो स्थान है वो इकाई स्थान है, मतलब 10^0 स्थान है, और ये जो आपका है वो 10^1 स्थान है, और ये जो आपका है ना ये 5 वो आपका है 10^2 स्थान है, और ये जो आपका है वो 10^3 स्थान है। इसका मतलब नहीं समझ रहे, 10^0 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, कोई भी नंबर्स का पावर 0 1 होता है, मतलब ये इकाई स्थान है। 10^1 की वैल्यू 10 होता है, मतलब ये दहाई स्थान है। 10^2 का मतलब 100 होता है, मतलब ये क्या है आपका सैकड़ा स्थान है, और 10^3 कितना होता है? 1000 होता है, मतलब ये 1000 स्थान है। मतलब बात को समझिए, डेसिमल नंबर है, अगर डेसिमल नंबर में किसी स्थान को रिप्रेजेंट करना है तो क्या कहेंगे, 10^1 स्थान, यह है 10^0, 10^1, 10^2, 10^3 डेसिमल नंबर है, इसलिए 10^0, 10^1, 10^2, 10^3। लेकिन ये क्या है, बाइनरी है, तो बाइनरी जब है तो 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2 क्यों? क्योंकि बाइनरी 2 होता है, और यहां 10 क्यों? क्योंकि डेसिमल 10 होता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये बातें हैं रियल में, ये बातें हैं भाई मेरे रियल में, जो है यही चीजें आपका है, ठीक ना, रियल में जो है यही चीजें हैं। तो सुनिए इसमें हम काम करते हैं 1 0 1 1 0 0, ठीक है। अब देखो यहां पर सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहां पर देखो ये है आपका 2^0 स्थान, ये है आपका 2^1 स्थान, और ये क्या है 2^2 स्थान। देखिए मैं बेसिक से पहले समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, घबराइए नहीं। फिर 2^ ये है 3 स्थान, और ये है 2^4 स्थान, और ये है आपका 2^5 स्थान, ठीक है, 2^5 स्थान। अब चाहे तो यहां पर आप ये काम भी कर सकते हैं, 2^0 का मतलब कितना होता है 1, 2^1 का मतलब कितना होता है 2, 2^2 का मतलब कितना होता है 4, 2^3 का मतलब कितना होता है 8, 2^4 का मतलब कितना होता है 16, और 2^5 का मतलब कितना होता है 32 होता है, 32 होता है, ठीक ना। अब यहां पर इसका मान हमको डेसिमल में लिखना है, किसमें लिखना है, डेसिमल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे सुनिए मेरी बात को सुनिए। देखिए यहां पर एक स्थान है, दो स्थान है, चार स्थान है, आठ है, सोलह है, बत्तीस है, एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना सोलह, सोलह दूना बत्तीस। अरे जो आप पढ़ते हैं ना इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, वो समझिए वो डेसिमल नंबर के लिए है। अगर बाइनरी नंबर के लिए कोई पढ़ने के लिए बोल दे तो पढ़ेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ऐसे पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कुछ बात? बिल्कुल, हम जीरो लेवल से चीज को बता रहे हैं। अब देखो भाई यहां पर अब हमको लिखना है डेसिमल नंबर में, तो क्या करेंगे, देखिए स्थान एक है और अंक जीरो है, तो एक गुना जीरो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो भाई स्थान दो है लेकिन अंक कितना है, जीरो है, तो दो गुना जीरो बराबर फिर जीरो। स्थान चार है लेकिन अंक कितना है, एक है, तो चार एकम चार, ठीक है। आठ है लेकिन स्थान एक है, तो आठ एकम आठ, गुणा करके जोड़ते चल जाना है, 16 गुना 0 0, क्योंकि 16 से जब 0 में गुणा होगा 0, और 32 गुना 1 कितना 32, और सबको क्या करिए आप जोड़ दीजिए, तो 32 8 40 4 44, 44 इज द राइट आंसर। क्या यही ना, 44 से का ना किए थे तो ये आया था, तो इसको किए तो 44 आ गया। तो आप सीखिए कि किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में कैसे चेंज कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, दाहिने साइड से इधर से इधर से 1 गुना 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32। अच्छा एक चीज दिख रहे हैं कि जहां जीरो का टर्म है उसका कोई मतलब नहीं है, जीरो का टर्म है उसका कोई मतलब नहीं है, जीरो का टर्म है उसका कोई मतलब नहीं है। आंसर हमको कहां से मिला, तो 32 से मिला जो एक पर था, 8 से मिला जो एक पर था, 4 से मिला जो एक पर था, और यही 32 8 40 4 44 उत्तर हो गया। तो आज के बाद याद रखना है कि अगर इसमें जीरो जहां जहां रहेगा उसको हम पहले ही इग्नोर कर देंगे, और आंसर हमको यहां से मिलेगा, यहां एक से मिलेगा, और यहां एक से पकड़ा जाएगा, ठीक ना, नोट कर लीजिए। गजब गजब, तो अभी यार शुरुआत है ना, अभी सारा चीजें बचा हुआ है, बाकी है, अभी तो बस शुरू हुआ है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है ना।
चलिए चलिए चलिए, घबराइए नहीं। देखिए अभी मैं इसको जीरो लेवल से बताया हूं, जीरो लेवल से मैं बताया हूं, लेकिन एग्जाम में इसको इतना रीछना नहीं है। कहिएगा तब सर बताइए एग्जाम में कैसे करना है, तो मेरी बात को सुनिएगा। एग्जाम में कैसे करना है मेरी बात को सुनिएगा, एग्जाम में कैसे करना है मेरी बात को सुनिएगा। देखो भाई एग्जाम में कैसे करना, मैं सिखाता हूं एग्जाम में कैसे करना है। इसको बदलना है डेसिमल में, फाइनल फाइनल बातें हैं, डेसिमल में बदलना है। तो देखो ऐसे सोचना है कि एक दुना दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस, ऐसे सोचना है। अब देखो यार क्या ध्यान में रखना है कि जीरो वाला का कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब एक वाला का मतलब है जोड़ दिए, तो यहां पर एक के ऊपर में बत्तीस है तो बत्तीस, यहां एक के ऊपर आठ है तो आठ, और यहां एक के ऊपर चार है तो चार, जोड़ दीजिए आंसर कितना हो गया आपका, चौवालीस हो गया। क्लियर है जी, देखे देखे कितना मजा आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई एक और क्वेश्चन यहां पर जैसे दे दिया, यहां पर वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन ऐसे दे दिया है, ये बाइनरी नंबर है और बोल रहा है व्हाट, मान बताओ किसमें, डेसिमल में। अब क्या करेंगे सारे विद्यार्थी यहां पर सीखिएगा कितना आसानी से करें। देखो भाई ये क्या होता है, एक दुना दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना, नीचे लिख दो बत्तीस दुना चौसठ दुना एक सौ अट्ठाईस। अरे यही ना होगा जी, एक दुना दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस दुना चौसठ दुना एक सौ अट्ठाईस। अब देखो यार जीरो वाला कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म, जीरो वाला ये खत्म, अब सबको जोड़ दो तो एक सौ अट्ठाईस। अरे इसका वाला फिर इसका कितना चौसठ प्लस कितना बत्तीस, और प्लस देखिए यहां पर चार, एक गुना चार कितना चार, और यहां पर एक गुना एक कितना एक, जोड़ दीजिए सारे विद्यार्थी यहां पर जल्दी से। तो बोलो भाई यहां पर आप जोड़िए सब लोग, तो एक सौ अट्ठाईस और बत्तीस कितना हो गया एक सौ साठ, एक सौ साठ और चौसठ कितना हो गया जल्दी बताइए, ऐसे जोड़िए ना, एक चार पांच और दो सात और चार ग्यारह और आठ उन्नीस का नौ कितना एक, फिर देखिए तीन और छ कितना नौ और दो ग्यारह और एक बारह का दो, फिर एक और एक एक दो सौ उन्तीस इज द राइट आंसर, दो सौ उन्तीस इज द राइट आंसर। एप्लीकेशन वाले विद्यार्थी क्या आप सारे लोगों को समझ में आ रहा है, क्या आप सारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है एक बार बता देना भाई मेरे। चलो भाई बहुत सारे विद्यार्थी एप्लीकेशन पर भी बहुत सारे विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, एकदम ये लगन जो है कायम रखना है ठीक ना। बोल रहे हैं एक विद्यार्थी फोन नंबर दीजिए, फोन नंबर यार हर जगह है अंकुश मैथमेटिक्स का, नोट कर लो बेरासी बावन तेरह संतानवे अठारह, अरे गूगल पे सर्च कर लेना यार अंकुश मैथमेटिक्स हर जगह मिल जाएगा आपको है ना। चलिए तो एक और क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिए सारे विद्यार्थी झट से, एकदम फास्टली बताना है आंसर इसका, इसका आंसर एकदम फास्टली बताना है। देखो ऐसा ही लिख दिया वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन ठीक है, और ये बाइनरी है और इसमें इसका मान आपसे हम डेसिमल में पूछ रहे हैं, बताइए जल्दी से। ऐसे ही लिख दिया कुछ कुछ, देखो भाई एक और एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना सोलह, सोलह दूना बत्तीस, बत्तीस दूना चौसठ, चौसठ दूना एक सौ अट्ठाईस ठीक है चला। अब जीरो वाले को काट दिया, जीरो वाले की कहानी खत्म, जीरो वाले कहानी खत्म, जीरो वाले कहानी खत्म, एक वाले को जोड़ दो तो बस एक सौ अट्ठाईस प्लस कितना चौसठ, चौसठ देखो चला यहां पर सोलह और क्या चार और प्लस कितना एक, फट से जोड़ दो जल्दी से कितना होगा जी आठ चार बारह छ अठारह चार बाईस और एक तेईस, तेईस का तीन कितना दो। अब देखो भाई एक यहां और छ यहां सात और दो नौ और दो हासिल था ग्यारह का एक और एक यहां पर दो, 213 इज द राइट आंसर। नीरज जी 106 बता रहे, कैसे नीरज जी गलत बात है यार। अब देखिए एक दुना दो दुना चार दुना आठ दुना सोलह दुना बत्तीस दुना चौसठ दुना 128, जीरो वाला जीरो वाला जीरो वाला खत्म, बाकी जो बच गया जोड़ दीजिए तो 128 जुटेगा, चौसठ जुटेगा, सोलह जुटेगा, चार जुटेगा और एक जुटेगा, 213 इज द राइट आंसर ठीक है। तो आपने ये चीजें जो है सीख लिया, आपने ये चीजें सीख लिया। नॉर्मल जब नंबर रहेगा बाइनरी तो डेसिमल में बदल देंगे और डेसिमल रहेगा तो बाइनरी में बदल देंगे। देखो भाई
नॉर्मली अगर इस तरह का रहेगा बाइनरी तो डेसिमल में बदल लेंगे, और जो नॉर्मली डेसिमल रहेगा तो बाइनरी में बदल लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होता है जब यही चीजें पॉइंट में रहता है। प्रॉब्लम तब होता है जब ये पॉइंट में रहता है, पॉइंट में रहता है। और याद है ना कि वन कैसे लिखाया है, तो दो के पावर जीरो करने पे लिखाया है। दो कैसे लिखाया है, दो के पावर एक। चार कैसे लिखाया है, दो के पावर दो, याद है ना। अब देखिए ये क्वेश्चंस का आनंद लीजिए सारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चंस का आनंद लीजिए सारे विद्यार्थी। देखो भाई यहां पर मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, आनंद लीजिए इसका और चीज को समझिए। वन जीरो वन और पॉइंट जीरो वन, इसका आनंद लीजिए। ये है बाइनरी और बदलना है किसमें, डेसिमल में। मजा तो अब आएगा, ठीक है। विक्रम जी बोल रहे हैं बफरिंग। देखो यार आपके यहां नेटवर्क नहीं होगा, मेरे यहां सब चीज ओके है, ठीक है। चंदन जी बोल रहे सराज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, पूरे मैंने आज 50 से 60 रुपए खर्च किया है बाल कटवाने में, तो क्यों नहीं स्मार्ट लगेंगे। हैं? हाँ तो बिल्कुल स्मार्ट लगेंगे ना। चलिए अभी कोरोना में कोई घर ही में अगर कोई बाल काट दे तो बहुत बड़ी चीजें है ना। हाँ, जहां पे सुविधा, जहां आप सुरक्षित हैं वहीं बाल को कटवाइए। तो मैंने अपने घर ही में नाई को बुलवा लिया था, आ जाओ भाई यहीं काट दो। चलिए, जवानी और रेलवे जिंदाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है यार। आइए, ये आपका बाइनरी नंबर है और डेसिमल में बदलना है। सारे विद्यार्थी एकदम कंसंट्रेशन यहां दीजिए, सीखिए, सुनिएगा। देखो भाई, सर आज एडवांस मैथ नहीं हुआ था क्या अमित जी? एकदम एडवांस मैथ एप्लीकेशन पर चल रहा है, धक्का धक चल रहा है ना। आइए अब इस प्रश्न पे हम आते हैं। देखो भाई, वन जीरो वन पॉइंट जीरो वन, ठीक है। अब हम इसे कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, ये सारे विद्यार्थी यहां पर सीखिएगा। तो बताओ भाई, अभी बताइए ये कौन सा स्थान है? तो कहिएगा सर ये तो दो के पावर जीरो है। और ये कौन सा स्थान है? तो सर दो के पावर एक है। और ये कौन सा स्थान है? तो दो के पावर दो है। भूल गए क्या? कोई अगर ऐसे दे देगा 126.52, कोई पूछेगा इसका इकाई अंक बताओ कौन सा है, 126.52 दो के बोलेगा कि इकाई अंक बताओ कितना है, तो ये इसका इकाई अंक होता है, ना कि वो इकाई अंक होता है। इकाई स्थान पर छह है, दहाई स्थान पर दो है, और सैकड़ा स्थान पर एक है। देखो भाई, इकाई स्थान पर है मतलब 10^0 है ये, और ये जो दो है ना वो 10^1 स्थान पर है दहाई, और एक जो है वो 10^2 सैकड़ा स्थान पर है। तो कहिएगा कि सर ई कौन स्थान पर है? और ई तो इकाई स्थान पर, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान पर, समझ गए? तो ई कौन सी स्थान पर है? तो देखो चला, पावर उधर जा रहे हैं तो घट रहा है, पावर उधर जा रहा है तो घट रहा है। देखो पावर 10^2 है, फिर इधर गया तो पावर 1 हो गया, फिर इधर गया तो 0 हो गया, तो 0 से पहले क्या होता है? -1। तो याद रखना चला, ये जो 5 है ना वो 10^-1 स्थान पर है। ई कौन स्थान पर है? तो 10^-2 स्थान पर है। समझ में आ रहा है कुछ बात? वही कांसेप्ट यहां पर है, यही कांसेप्ट यहां पर है मेरे भाई। सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये है 2^0, 2^1 स्थान, ये 2^2। दो क्यों? क्योंकि बाइनरी है। अब देखो इसे घट रहा है, दो फिर एक फिर जीरो, तो ये क्या होगा? 2^-1 स्थान। ये क्या होगा? 2^-2 स्थान। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो भाई ये सब बेसिक कोनो नहीं मास्टर बताते लग गए, कोई मास्टर लोग नहीं बताते हैं, वो डायरेक्ट बस यहां पर सिखा देंगे कि ऐसे कर लो, लेकिन मैं आपको जड़ बता दिया कि क्यों आखिर ऐसा होता है, ठीक ना। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। अब देखो भाई यहां पर गुणा करेंगे, अब हमको क्या डेसिमल में लिखना है, तो बोलो भाई ये कितना है? 4 है। ये कितना है? 4 है। ये कितना है? 4 है। तो 4 एकम 4 प्लस, अब बताओ भाई जीरो वाले को क्या करते हैं? भूल गए क्या? जीरो वाले को हटा देते हैं, ये जीरो वाले को हटा देते हैं, है ना। तो बोलो भाई 2^2 4 और प्लस 2^0 का मान कितना? 1 कर दिए ऐसे। अब फिर लगा देंगे से पॉइंट,
पॉइंट, अरे ये वाला पॉइंट। अब फिर देखो ई तो जीरो हो गया, तो यहां पर जीरो प्लस करने से कोई फायदा है? जीरो प्लस, जीरो प्लस। अब देखिए दो के पावर माइनस दो का मतलब कितना होगा बताइएगा? एक बटा चार होगा। और दो के पावर दो कितना? चार, और पावर निगेटिव है तो नीचे आ जाएगा एक बटा चार। अब एक से गुना होगा एक बटा चार में, तो कितना हो जाएगा? एक बटा चार। अब बताइए भाई चार और एक पांच, पांच और पॉइंट 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 के बाद कितना है? एक बटा चार है, एक बटा चार है। तो एक बटा चार का मतलब कितना होता है? पॉइंट टू फाइव होता है, पॉइंट टू फाइव होता है, यानी 5.25 इज द राइट आंसर, 5.25 इज द राइट आंसर। अगर मान लेते हैं इसमें किसी को डाउट है तो ऐसे समझो चार और एक पांच, और प्लस में कितना? एक बटा चार। तो कितना हो जाएगा ये? चार पंच बीस और एक कितना? इक्कीस बटा चार, इक्कीस बटा चार, और चार से इक्कीस में भाग दिया तो चार पंच बीस, और एक पर जीरो दस, तो चार दूना आठ, फिर दो पर जीरो बीस, तो चार पंच बीस 5.25। नहीं तो कुछ नहीं करना है, ये है दो के पावर जीरो, ये है दो के पावर एक, ये है दो के पावर दो, और पॉइंट के जब उधर जाएंगे तो हो जाएगा दो के पावर माइनस एक कि दो के पावर माइनस दो। जीरो वाले काट दीजिए, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा आपका। तो दो के पावर दो मतलब चार, और एक आपका ये पांच इधर हो गया दशमलव के इस तरफ, और दशमलव के बाद क्या हो गया? तो एक पर पावर कितना? एक गुणा दो के पावर माइनस दो मतलब एक बटा चार। तो एक बटा चार की वैल्यू होता है 0.25, तो 5.25 इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन, अभी पूरा 100% नहीं समझेंगे, हमको पता है 100% तो अब समझेंगे। सुनिए एक और क्वेश्चन, देखो भाई एक और प्रश्न यहां पर, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, सारे विद्यार्थी यहां पर, जैसे हम क्वेश्चन लिए वन वन जीरो जीरो वन ये ले लिए, और पॉइंट में ले लिए हम वन वन ले लिए, ठीक है। अब इसको जो है ये बाइनरी में है, और इसको क्या करना है? डेसिमल में बदलना है। देखो भैया प्रॉब्लम एग्जाम में इस प्रश्न में होता है लोगों को, और मैं बहुत आसान कंसेप्ट दे रहा हूं, ठीक ना। सुनिएगा ये क्या है, ये कितना है? यह एक, और एक दुना दो, दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, भूल गए क्या? अरे दो के पावर जीरो है एक, दो के पावर दो, सॉरी दो के पावर जीरो, दो के पावर एक, दो के पावर दो, दो के पावर तीन, दो के पावर चार, और यहाँ क्या होगा? तो दो के पावर माइनस एक, यहाँ क्या होगा? दो के पावर माइनस दो। देखिए इसे पावर घट रहा है, पावर चार है, फिर तीन है, फिर दो है, फिर एक है, फिर जीरो, तो इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस, ऐसे होगा। अब देखो भाई दो के पावर माइनस एक को आप क्या समझिएगा? एक बटा दो समझिएगा। दो के पावर माइनस दो को क्या समझिएगा? एक बटा चार समझिएगा। दो के पावर माइनस तीन रहेगा तो उसको एक बटा आठ समझिएगा, ठीक है। अब चलो जीरो वाला खत्म, जीरो वाला खत्म, बोलिए कितना होगा? सोलह प्लस आठ प्लस एक, अरे सोलह प्लस आठ प्लस एक। अब यहां पर क्या हो गया आपका? दशमलव, दशमलव, और इसका अलग कैलकुलेशन करना है, इसका अलग कैलकुलेशन करना है, तो क्या होगा भाई मेरे? एक बटा दो और प्लस एक बटा चार होगा, क्योंकि यहां पर जीरो कहीं नहीं है। अब देखिए यहां पर इसको आपको सोल्व करके अलग लिखना है, तो सोलह और आठ कितना? चौबीस और एक पच्चीस, अ पॉइंट। इसको सोल्व करिए, इसको यहां पर मैं सोल्व कर रहा हूं, एलसीएम कितना बनेगा? चार, तो दो और एक कितना? तीन, तीन बटा चार, तीन बटा चार, और तीन बटा चार को क्या बोलते हैं? 0.75। तो यहां पर कितना हो गया? 0.75 इज द राइट आंसर। बहुत सारे विद्यार्थी सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार बता दीजिए सारे विद्यार्थी कि क्या आज के बाद जो है इस टाइप का प्रश्न आपसे बनेगा? एक बार सारे लोग कमेंट करेंगे, चाहे एप्लीकेशन वाले हो या यूट्यूब वाले हो। सूरज जी क्या बोल रहे? सर ऐसे ही मार्गदर्शन बताते रहिएगा, एकदम एकदम बिल्कुल, हम परफेक्ट चीज देंगे, हर चीज क्यों होता है ये सारी चीज मैं बताऊंगा टारगेट में भी, घबराइए मत, बस आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए और रिवीजन खूब करिए, रिवीजन खूब करिए, खूब जम के करिए। रोशन मिशन 100 जी बोल रहे हैं क्या कि टेस्ट चल रहा है? एकदम टेस्ट चल रहा है, पैकेज वन खत्म होने वाला है, पैकेज टू आएगा तब आप जुड़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं। चलिए भाई अच्छी बात है,
अब आपको तो अब हम मजेदार चीजें सिखाते हैं, अब आपको हम अब सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको मैंने क्या सिखाया कि जब इस तरह का डाटा बाइनरी में रहेगा तो डेसिमल में कैसे बदलेंगे, जब डेसिमल में दशमलव पॉइंट में जब बाइनरी वाला टर्म रहेगा तो डेसिमल में कैसे बदलेंगे। अब कभी एग्जाम में ऐसा दे देगा, पॉइंट में डेसिमल नंबर को दे देगा और बोलेगा बाइनरी में बदलो, तो कैसे बदलेंगे, सारे विद्यार्थी सीखेंगे। देखो भाई, सारे के सारे लोग यहां पर, अब यहां पर एक क्वेश्चन नोट करिए सारे के सारे लोग। देखो भाई, पॉइंट 8125, पॉइंट 8125 बेस 10 है और इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में। देखो चला, अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि ये डेसिमल नंबर है तो इसको हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे, डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे बदलेंगे। चंदन जी बोल रहे सर कल कौन सा क्लास है। देखो भाई, कल सुबह में 10 बजे हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं YouTube पर एकदम बिल्कुल फ्री। कल 10 बजे हम YouTube पर परसेंटेज चैप्टर एकदम बिल्कुल फ्री स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आज पोल क्रिएट किया था टेलीग्राम पर, तो मैक्सिमम विद्यार्थी का ये कहना था कि सर आप परसेंटेज स्टार्ट करिए, मेजोरिटी था परसेंटेज पर, इसलिए हम कल परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं 10 बजे, ठीक है, नया चैप्टर एकदम नया तौर पर, ठीक है। चलिए आइए, अब ये देखिए यहां पर ये क्या है आपका डेसिमल है और बाइनरी में क्या करना है, चेंज करना है, कैसे करेंगे सारे विद्यार्थी सीखिएगा। आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा था, आपने क्या याद है आपको, देखिए ये डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, डेसिमल को बाइनरी में बदलना है, बस क्या है तो पॉइंट में चीजें हैं। अब देखिए ऊपर आपको हम थोड़ा सा ले चलते हैं, आपको हम थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, तो मैंने आपको क्या सिखाया सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है और बाइनरी में बदलना है, तो तरीका क्या था, दो से हम भाग कर रहे थे, तब तक दो से भाग कर रहे थे जब तक कि भागफल वन न हो जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, ये डेसिमल नंबर था, बाइनरी में बदलना था, तो क्या कंसेप्ट था कि दो से तब तक भाग करते हैं जब तक कि भागफल एक ना हो जाए, और नीचे से कहां लिखते थे, ऊपर, नीचे से कहां लिखते थे, ऊपर। लेकिन अभी वाला जो कंसेप्ट है, जब ये चीजें आपका पॉइंट में दे देगा, जब ये चीजें पॉइंट में दे देगा, तब क्या करना है, दो से भाग नहीं करना है, दो से गुणा करना है, और तब तक दो से गुणा करना है जब तक कि वन ना हो जाए। इसमें नीचे से ऊपर लिखते हैं, उसमें ऊपर से नीचे, मतलब जस्ट उल्टा काम करना है आपको। देखो भाई, काम आपको क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है, काम आपको क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। कहां गया, बहुत सारा पढ़ा दिए सर, हाँ आगे 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 भाई। देखो ये आपका डेसिमल को बाइनरी में फिर से बदलना है, लेकिन ये पॉइंट में दिया है, तो क्या करेंगे, दो से गुणा करेंगे तब तक। कंसेप्ट नोट कर लीजिए, कंसेप्ट दो से नोट कर लीजिए, दो से तब तक गुणा करे, दो से तब तक गुणा करे जब तक कि वन ना बन जाए, ठीक है, दो से तब तक गुणा करना है जब तक कि वन ना बन जाए, और वहां पे क्या करते थे, दो से तब तक भाग करते थे जब तक कि भागफल वन ना बन जाए, ठीक ना, और उसमें लिखते थे नीचे से ऊपर, और यहां पे लिखना है क्या, ऊपर से नीचे। ये सारे विद्यार्थी नोट कर लेंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, 0.8125 यही दिया है ना, इसको चलो दो से गुणा करो, दो से गुणा करें, क्या बोल रहा है, दो से तब तक गुणा करना है जब तक कि वन ना, चलिए दो से गुणा करिए, तो 8125 को जब डबल करेंगे तो कितना होगा, 16250 होगा जी, बोलो, और चार अंक के पहले डेसिमल यहां पर है, तो चार अंक के पहले डेसिमल हम यहां भी बैठा दिए, चार अंक के पहले डेसिमल यहां बैठा दिए। अब सुनिए, क्या वन आया गुणा करने पर, नहीं ना आया, बोलिए वन के बाद क्या आया, तो बोलिए 0.6125 आया, यही ना आया जी, सॉरी 0.6250 आया, देखिए वन पॉइंट के बाद ये आया, तो वन के बाद जो आया फिर से उतारेंगे और फिर से दो से गुणा करना है, तो देखो 6250 को दो से गुणा करेंगे तो कितना होगा बताइए, 12500, और चार अंक के पहले डेसिमल है तो चार अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे, क्या वन आया, नहीं आया, तो फिर से गुणा करेंगे, वन के बाद क्या है बोलिए 0.2500 है,
फिर इसको दो से गुणा करेंगे तो बोलिए 2500 का दुगुना कितना 5500। और चार अंक के पहले डेसिमल है तो चार अंक के पहले डेसिमल हम बैठा देंगे। देखो भाई दशमलव के पहले यहां एक है, दशमलव के पहले भी यहां एक है, और दशमलव के पहले यहां कुछ नहीं, मतलब क्या है, जीरो है। क्या आपको गुणा करने पर वन आया? नहीं ना आया, तो फिर दशमलव के बाद वाले को उठाइए, दशमलव 5000। अब फिर इसको दो से गुणा करिए। अब बताइए भाई 5000 को दो से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 10000। अरे होगा कि नहीं? अब देखो चार अंक के पहले डेसिमल है तो चार अंक के पहले डेसिमल बैठाइए। क्या आपको वन आ गया? वन आ गया, आपकी मेहनत जो है वो साकार हो गई, ठीक ना? तो वन आ गया, वन आ गया और आएगा ही, ये वन आएगा ही। जिस प्रकार वहां पर भागफल में वन आ रहा था, इस प्रकार यहां पर गुणनफल में वन आएगा, 100% आएगा। उसी तरह का डाटा यहां पर सेट करके एग्जाम देता है। अब देखो भाई वहां लिख रहे थे नीचे से ऊपर, लेकिन यहां क्या लिखना है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब बोलो भाई ऊपर से नीचे किसको लिखेंगे? आपको बाइनरी लिखना है ना, बाइनरी लिखना है। देखो इस वाले को लिखते हैं, ये जो वन दिख रहा है ना इसको लिखेंगे, ये जो वन दिख रहा है ना इसको लिखेंगे, ये जो जीरो दिख रहा है ना इसको लिखेंगे, ये जो वन दिख रहा है ना इसको लिखेंगे। तो चलो ऊपर से नीचे, तो वन वन जीरो वन, क्या लिखेंगे? वन वन जीरो वन। देखो भाई वन वन जीरो वन, देखो ऊपर से नीचे लिखना है वन वन जीरो वन, पहचान लो ये वाला लिखना है दशमलव के इधर वाला वन वन जीरो वन, क्योंकि बाइनरी में लिखना और बाइनरी का मतलब जीरो और वन सिर्फ होता है, इसे मत लिखने लगेगा। अब क्वेश्चन में चार अंक के पहले डेसिमल था तो यहां भी चार अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे और यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा बड़ा लिखिए गुरु जी, एकदम लिखेंगे भाई मेरे, एकदम लिखेंगे, ठीक ना? तो उम्मीद है आप सारे विद्यार्थी जो है आज के बाद इस तरह का संख्या को भी आप बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी सिखाया है कि इसको कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं और फिर अभी सिखा रहा हूं कि इस तरह का डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, ठीक ना? चलिए तो देखो यार YouTube पर विद्यार्थी लोग जो है सो कुछ कम हो रहा है, शायद सोने जा रहे हैं। नहीं देखो यार सोना तो पूरी जिंदगी पड़ा है, लेकिन ये जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं ना ये आपको मिलने वाला नहीं है, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है? और टारगेट बैच को भी मैं इतने डिटेल से पढ़ा दूंगा जितना आप उम्मीद नहीं किए होंगे। 500 रुपया आपको एकदम पूरा पूरा वसूल कर लेना, चूस लेना है 500 रुपये को, ठीक ना? हाँ आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई एक और क्वेश्चन यहां पे लेते हैं, आप बताइएगा। एक क्वेश्चन ऊपर वाला ही हम उठा ले रहे हैं, जो आपको मैंने कराया था ऊपर वाला ही हम उठा ले रहे हैं, ऊपर वाला ही आपको हम उठा ले रहे हैं। देखो भाई ये वाला 25.75 है, ये हम लोग आंसर किए थे किसका? तो बढ़िया से देख लीजिए, इसका किए थे, है ना? तो 25.75 जब आपको हम देंगे तो आंसर यही आना चाहिए, है ना? चलिए देखते हैं, 25.75 आपको हम देते हैं, आप बताइएगा आंसर क्या होगा। 25.75 आपको हम देते हैं, देखो भाई 25.75 ये डेसिमल है और इसी को किस में चेंज करना है? बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है? चलिए भाई यहां पर आप सारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या कहता है 25.75 डेसिमल नंबर और इसको बाइनरी में क्या करना है? चेंज करना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? तो सुनो ये 25 जो है इसको आप अलग कर दीजिए, ठीक है? और 0.75 को आप अलग कर दीजिए, 25 को आप अलग कर दीजिए और पॉइंट वाले टर्म को आप अलग कर दीजिए, ठीक है? अब देखो 25 को तो आप आसानी से कर सकते हैं, बढ़ा चुके हैं, दो से भाग दीजिए तो कितने बार में? 12 बार में एक शेषफल, फिर दो से भाग देंगे 6 बार में, शेषफल कितना? जीरो। और फिर हम दो से भाग देंगे तो कितने? 3 × 2 = 6, शेषफल जीरो। और फिर दो से भाग देंगे तो भाग एक बार में लगेगा, शेषफल एक, ठीक ना? अब याद है ना इसको कहां से लिखते हैं? नीचे से ऊपर, शायद आप भूल रहे हैं।
जब सिंपल सी नंबर हो, संख्या हो, तो उसको नीचे से ऊपर लिखते हैं, तो बताओ इसका क्या होगा? 110011001, क्लियर है? तो हम 25 को लिख दिए बाइनरी में कितना होगा, अब 0.75 को लिखना है, तो कैसे करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, तब तक 2 से गुणा करेंगे जब तक कि गुणनफल 1 ना हो जाए, और यहां पर 2 से तब तक भाग देंगे जब तक कि भागफल 1 ना हो जाए लास्ट में, और कहां लिखेंगे? नीचे से ऊपर, और पॉइंट में जब रहेगा तो ऊपर से नीचे। चलो भाई 75 × 150, 2 अंक के पहले डेसिमल है तो बैठा दिए, अब बोलिए पॉइंट के बाद कितना है? 50 है, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 50 × 100, 100, 2 अंक के पहले डेसिमल है, फिर बैठा दिए, बोलिए 1 आ गया, तो ऊपर से कहां लिखेंगे? नीचे, ऊपर से नीचे किसको लिखते हैं? तो ई वाले को लिखते हैं, तो लिखो भाई 1, 1। अब क्वेश्चन में 2 अंक के पहले डेसिमल था, तो यहां भी 2 अंक के पहले डेसिमल बैठा देंगे, तो हम ये कह सकते हैं 25 को मैंने जब बाइनरी में चेंज किया तो इतना आया, और 0.75 को चेंज किया तो इतना आया, लेकिन हमसे तो क्वेश्चंस का आंसर इकट्ठा मांग रहा है, ना कि अलग अलग मांग रहा है, तो इकट्ठा हम लिख देंगे, इकट्ठा लिख देंगे, बोलिए 25 का कितना आया है? 1, 1, 0, 0, 1, अब फिर दे देंगे पॉइंट, पॉइंट, और 75 का कितना है? 75 का कितना है 0.75 का? 0.11 है, 0.11/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई? 1, 1, 0, 0, 1.11/2 आंसर। आपको क्या प्रूफ देखना है क्या? तो आप देख लीजिए कॉपी उलट करके अपना पीछे में, यही चीज तो मैंने दे करके ये कराया था, अभी दे करके ये करा दिया, दोनों तरफ से सही है, इसका मतलब प्रोसेस 100% आपका सही है, ठीक ना? चलिए, तो आप सारे विद्यार्थी जो हैं मजे मजे में हैं और खूब जम के पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखो भाई आपको मैंने क्या सिखाया, मैं एक मिनट नहीं आधे मिनट में री कर दे रहा हूं, आपको मैंने क्या सिखाया? देखो भाई जितने लोग एप्लीकेशन में हैं, पैसा पेड किए हैं, मन से पढ़िएगा, पैसा वसूलना है, ठीक ना? हाँ, पूरा का पूरा वसूल लेना, चूस लेना है। देखो भाई एक मिनट बस री कर रहा हूं, फिर मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, रिवीजन भी मैं साथ साथ कराऊंगा। नंबर सिस्टम का 2 पोर्शन, डेसिमल और बाइनरी, यही दोनों से एग्जाम प्रश्न पूछेगा, ये मेजर चीजें हैं, वो माइनर चीजें हैं, इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया। बाइनरी के अंतर्गत 2 डिजिट 0 और 1, और डेसिमल के अंतर्गत 10 डिजिट 0 से लेकर 9 तक। चलो यहां पर दशमिक नंबर है कुछ 6 तक, 0 से 6 तक, और ये बाइनरी है, ये आपको रट लेना है, याद कर लेना, देखो भाई रट लेना है इसको, ठीक है? कैसे लिखे आपको हम बताए हैं। अब डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं ये मैंने तरीका बताया, 27 को कैसे बदलेंगे बाइनरी में, तो 2 से भाग देना है तब तक जब तक कि 1 ना हो जाए लास्ट में, नीचे से ऊपर लिखना, ठीक है? अब देखो 31 को करना है तो फिर 2 से भाग देना है तब तक जब तक कि लास्ट में 1 ना हो जाए, नीचे से ऊपर लिख देना है। देखो भाई 44 को ही करना है, 44 में 2 से भाग देना है तब तक जब तक कि 1 ना हो जाए, नीचे से ऊपर लिख देना है, ठीक है? अब यहां पर आ जाओ, अब उल्टा हो गया, बाइनरी टू डेसिमल, अब बाइनरी रहेगा डेसिमल में करना रहेगा, तो सीधे इसे लिखिएगा, सीधे इसे 1 × 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 0 वाले को काट देना है, 0 वाले को काट देना है, बाकी को जोड़ देना है, 32 × 8 = 40 × 44 आंसर, 44 आंसर, ठीक है? अब देखो भाई फिर देखो यहां पर ये इसको चेंज करना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यही 1 × 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128, अब 0 को काट देना है, 0 को काट देना है, बाकी को जोड़ देना है, 128 और 32 = 64 और 4 को जोड़ देंगे और 1 को जोड़ देंगे, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा मोबाइल नंबर है हमारी संस्था का, सुनिए अब इसको करना है तो फिर वही करना है, 1 × 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, क्यों? तो देखिए 1 का मतलब होता है आपका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यही चीजें मान लेते हैं, अगर पॉइंट में दे देगा, पॉइंट में दे देगा तो आपको याद है ना, देखिए पॉइंट में क्या होता है ना, इकाई स्थान जो है सो ये होता है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, देखिए पावर घट रहा है, 2, 1, 0, तब होगा −1, −2, −3, तो यहां पे होगा 2 की पावर −1, यहां 2 की पावर −2, 0 वाला कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब जोड़ दीजिए कितना 4 और ये कितना 1, तो 4 + 1 = 5, पॉइंट आई तो 0, 2 के पावर −2 का मान 1/4, तो 1/4 का मान क्या होता है 0.25, 5.25 आंसर हो गया, ठीक है भाई? तो ये चीजें मैंने आपको पढ़ाया, फिर देखिए क्वेश्चन यहां पर है, अब इसका उल्टा मैंने आपको सिखाया 0.8125 का, फिर मैंने ये चीज आपको सिखाया, अब आपके आपको क्या सिखाते हैं सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर हेडिंग बना लेंगे सम, मतलब बाइनरी को हम जोड़ेंगे कैसे,
बाइनरी को जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। एक बार यार यूट्यूब वाले सारे विद्यार्थी शेयर कर देना, ठीक है, मतलब जगा देना है सारे लोगों की, तुम सो कैसे रहे हो। चलिए मिथिलेश जी बोल रहे हैं एप्लीकेशन से कि बुक सर, बुक अभी एक दो दिन बाद आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है सारे विद्यार्थी को ये चीजें समझ में आया होगा, ये हमें भी लग रहा है। चलिए अब यहां पर आपको सम सिखाते हैं, जोड़ना सिखाते हैं, क्योंकि रेलवे के परीक्षा में यहां जोड़ने के लिए भी प्रश्न आया है। तो देखो भाई यहां पर हम सिखा तो देंगे, लेकिन क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो रेलवे का ही प्रश्न ले रहे हैं, क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो रेलवे का ही प्रश्न ले रहे हैं जोड़ने वाला। देखिए क्वेश्चन यहां पर मैं ले रहा हूं 11011, क्वेश्चन ये रेलवे का ही पूछा हुआ है 11011, और प्लस में आपका दे रखा है कितना 10110। देखो भाई 10110, ठीक ना, और इसी को क्या करना है आपको जोड़ना है, इसी को क्या करना है आपको जोड़ना है, ठीक है, इसी को क्या करना है, इसी को क्या करना है आपको जोड़ना है, ठीक ना, बाइनरी का जोड़ जोड़ना है, यही क्वेश्चन था, बाइनरी का जोड़ जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे तो सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यहां पर सारे के सारे लोग सीखिए जोड़ कैसे जोड़ते हैं। तो 11011 लिख दिए, अब उसको लिखेंगे 10110, ठीक है। अब देखोगे इसको जोड़ना है, इन्हें जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए सारे के सारे लोग, ध्यान दीजिएगा, सिंपली आप जोड़िए 1+0 कितना होता है चला, 1+0 कितना होता है 1, लिख दिए। अब 1 कितना होता है 2, क्या 2 लिखेंगे, कभी नहीं। अरे बाइनरी नंबर का मतलब होता है 0 और 1, 2 कहां से लिखेंगे, लेकिन जोड़ने पर तो 112 आ रहा है, तो सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, 112 आ रहा है, 112 आ रहा है, तो बताओ भाई मेरे कि 2 को हम कितना बोलते हैं बाइनरी में, 10 नहीं बोलते हैं, 2 को 10 बोलते हैं, 2 को 10 बोलते हैं, 2 को 10 बोलते हैं, तो देखो चला 2 को 10 बोलते हैं, 1+0 10, तो 0 को यहां पर लिखेंगे, 0 को यहां पर लिखेंगे और 1 जो हो गया उसका हासिल हो गया, कैरी जिसको बोलते हैं, तो माथे पर 1 लिख दिए वहां से। अब जोड़ो 1+0+1 फिर कितना हो गया 2, तो फिर हम 2 नहीं लिख सकते हैं, फिर 2 का 10 होता है, तो फिर 0 लिखेंगे, अब फिर जो 1 जो हासिल बचा उसको यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब फिर से जोड़ो भाई 1 1 0 जुड़ेगा तो 2, और 2 नहीं लिख सकते हैं, फिर 2 का 10, तो फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, और 1 जो हासिल बचा यहां पे आ जाएगा। अब जोड़ो 1 1 2 और 1 3, 1 1 2 और 1 3, क्या यहां पर 3 लिखेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, 3 लिखेंगे, कभी नहीं। अब तो बताइए 3 का मान कितना होता है, आप सारे विद्यार्थी बताइएगा 3 का मान कितना होता है, बोलिए जी 11 होता है, 3 का मान 11 होता है। अब इसके बाद कुछ नहीं जोड़ना है तो हासिल मत, पूरा का पूरा 11 लिख दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए पंकज जी आपने गलत आंसर दिया एप्लीकेशन पे, नीरज जी सही आंसर है, विकास यादव का भी गलत है, राजीव जी का सही है, बच्चन बिहारी जी का भी सही है। देखो यार बड़ा नया नया नाम आज हमको मिल रहा है एप्लीकेशन पे, है ना, बुक पटना में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको देंगे भाई, पीडीएफ देंगे आपको हम, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए एप्लीकेशन और यूट्यूब वाले सारे विद्यार्थी, क्या आप इसको जोड़ पाएंगे, फिर से बोल दे रहा हूं 1+0 1, और 112 2 नहीं लिख सकते हैं, तो 2 का 10 होता है, तो 0 लिख देंगे और 1 इधर आ जाएगा हासिल। अब जोड़ो 1 1 2 का फिर 10, फिर 1 हासिल, फिर 1 1 2 का 10, तो फिर 0, फिर 1 हासिल, तो 1 2 3, और 3 का 11 होता है, तो पूरा का पूरा 11 लिख देंगे, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहां पर एकदम पेन पेपर के साथ बैठिए सारे के सारे लोग, ठीक है, एकदम पेन पेपर के साथ बैठिए। एक और क्वेश्चन यहां पर आप ही को जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा 110111, ठीक है, और यहां पर हम दे दिए 01010, ठीक है, और इसी को क्या करना है जोड़ना है, सिंपली जोड़ दीजिए, बहुत आसान है, जोड़िए ना 10 जोड़ेंगे तो 1, और 1 1 2 2 तो नहीं लिख सकते हैं, 2 का 10 होता है, तो क्या लिख देंगे 0 0।
अब फिर एक जो आपका हासिल बचा उसको इधर कर देंगे। अब बताओ भाई एक एक दो और दो का दस, फिर एक जो हासिल बचा उसको यहां लिखेंगे। तो बोलिए एक एक दो और दो का दस, तो जीरो लिख दिए और फिर हासिल बचा उसको यहां लिख दिए। अब बताओ एक एक दो दो का दस, दस तो फिर जीरो हो गया। अब फिर एक यहां पर जाएगा तो एक एक दो और दो का दस, दस यहां पर लिख देंगे, एक पर जीरो दस, और यही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए किसी को कोई डाउट है तो, एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे, एप्लीकेशन वाले और यूट्यूब वाले, किसी को कोई डाउट है तो एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। क्या आपको डाउट है, क्या आपको कोई डाउट है, एक बार सारे विद्यार्थी बता देंगे। मैं देख रहा हूं सारे विद्यार्थी बताएंगे क्या किसी को कोई डाउट है, एक बार सारे विद्यार्थी बता देंगे क्या किसी को कोई डाउट है। चलो भाई एक कमलेश जी बोल रहे हैं हां डाउट है, तो बोल दो यार ना जल्दी से क्या डाउट है, कहीं अपने आप पर तो डाउट नहीं है ना। हैं, चलिए कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। तो भाई आज पहला क्लास है, धीमे धीमे आदत लगाएंगे आपको पढ़ने का, है ना। तो अभी देखिए अभी जो है ये चैप्टर का कुछ पोर्शन अभी बचा हुआ है, ठीक ना, कुछ पोर्शन अभी बचा हुआ है। जैसे अंतर से क्वेश्चन आपका 2018 एलपी टेक्नीशियन में पूछा है, तो अंतर से भी आपको हम क्वेश्चंस कराएंगे, और इसके बाद आपसे बाइनरी नंबर का जो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा वो आपसे पूरा का पूरा बनेगा। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि आज मैं जितना पढ़ाया हूं एक बार सारे विद्यार्थी रिवाइज कर लीजिए, खास करके वो विद्यार्थी जो पैसा दिए हैं, है ना, ऐसे यूट्यूब वाले भी घबराई नहीं। और कल हम लगभग 5 से 10 मिनट में ये चैप्टर को बाइनरी नंबर को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम जो मेजर टाइप है ना डेसिमल उस पर हम आएंगे, ठीक ना, हम मेजर टाइप जो डेसिमल है उस पर आएंगे, और खूब मन लगा करके जो है मैं भी पढ़ाऊंगा और आप भी खूब मन लगा करके पढ़िए, और 3 महीने के अंदर में जो है अपने मैथ्स को बेहतर करिए और एग्जाम में जाकर के बैठिए और रिजल्ट को प्राप्त करिए, ठीक ना। बस मेहनत कम नहीं करना है, है ना, प्रैक्टिस खूब करिए, मेहनत खूब करिए, ठीक है भाई। तो आज के सेशन को यहीं पर हम रखेंगे, और सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, ठीक है, थैंक यू।